हाय नमस्कार, मैं अंशिका आज हाजिर हूँ वापस से एक कॉम्बो के रिव्यू के साथ। अब मैं क्या करूँ, कॉम्बो होते ही इतने अच्छे हैं। मुझे आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कॉम्बो किट्स, क्योंकि हमें इतने आई स्टीलिंग ऑफर्स मिलते हैं ना इसमें, तो क्यों छोड़े। और डेफिनेटली अगर मुझे कोई बहुत अच्छा कॉम्बो मिला है जिसका मुझे रिव्यू करना चाहिए, तो आई विल रिव्यू एंड टेल यू पीपल कि यार देखो ये एक मस्त वाला कॉम्बो आया है, इसमें ये फ़ायदा है, तो आप ले लो। दैट इज़ व्हाई आई एम अगेन हेयर विथ यू पीपल फॉर द रिव्यू ऑफ मेबेलिन ब्राइडल ग्लैम गॉडेस। आई नो आई विल गिव द नेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वॉट इज़ द एग्जैक्ट नेम, बट इट इज़ समथिंग लाइक मेबेलिन न्यूयॉर्क ब्राइट ट्राइब ग्लैम गॉडेस। येस एग्जैक्टली आई गॉट इट, मेबेलिन ग्लैम। ठीक है, मैं दे दूँगी इसका नेम डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जैसे कि मैंने ये सेम किट जो है वो ऑर्डर किया है नायका से, बहुत ही जल्दी मुझे 4 दिन में ये डिलीवर हो गया डेफिनेटली। अब हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर है कौन कौन से प्रोडक्ट। हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यस, तो अगर मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और मुझे, मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि मुझे इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले हैं। बहुत ही मस्त मस्त प्रोडक्ट्स हैं, तो हम एक एक करके रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ माई फेवरेट पार्ट, दैट इज़ लिपस्टिक। अगर मैं बात करूँ ये, तो इसमें मुझे मिलती है मेबेलिन की मैट मेटालिक लिपस्टिक इन द शेड हॉट लावा। और मैंने जैसे कहा, जैसे कि इस कॉम्बो किट में लिखा है इट्स ब्राइट ट्राइब, डेफिनेटली ब्राइड्स के लिए मतलब है किट। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जैसे हम क्या होता है ना, फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं, एज यू नो दैट अक्टूबर इज़ कमिंग एंड ऑल द फेस्टिव सीजन्स आर इन अक्टूबर नवंबर। सो उस हिसाब से भी थोड़ा सा पार्टी लुक के लिए ये सारे जो ये जो लिपस्टिक है ये अच्छी रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका टेक्स्चर आपको दिखाती हूँ। इसका कलर जैसे कि मैंने आपको बताया इट्स हॉट लावा। अगर मैं आपको इसका कलर दिखाऊँ, तो इफ़ यू कैन सी द कलर इज दिस वन इज ऑरेंजिश रेड। और ये मतलब, और ये इसका टेक्सचर बहुत शिमरी टाइप का है। इन्होंने कहा है इट्स अ मैट मेटालिक। आई डोंट थिंक कि ये मैट है, मुझे मैट जैसा तो नहीं लगा क्योंकि शिमर बहुत ज़्यादा है इसमें। लेकिन हाँ, ये लिप्स पे बहुत अच्छा लगता है लगाने के बाद। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है इसका, इट्स पिगमेंटेशन इज़ ओनली फॉर अराउंड 2-3 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। बट आप इसको अगर रीअप्लाई थोड़ा सा टचअप कर लेते हो, तो ये लिपस्टिक इज़ वेरी गुड विद द इंडियन ड्रेसेस, बहुत अच्छी लगेगी। अब अगर मैं इस लिपस्टिक के बाद बात करती हूँ इसके दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जो कि मुझे इस किट में मिला है, वो है मेबेलिन कोलोसल बिग शॉट वॉल्यूम मस्कारा। देखो मैंने बहुत सारे मस्कारास यूज़ किए हैं, आई हैव यूज़ आइकॉनिक, आई हैव यूज़ दिस वन। मैं कुछ टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ अभी, और मैंने अर्लियर भी आई हैव यूज़ दैट। तो इस मस्कारे का ये बेनिफिट है, एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि ये बहुत ही ज़्यादा, इससे लैशेस ना बहुत अलग अलग हो जाती, बहुत अच्छा सा क्लीन सा लुक देगा और काफ़ी वॉल्यूमिनस लगता है ये लगाने के बाद मस्कारा। बहुत, अगर मैं आपको इसका ब्रश दिखाऊं, तो इट इज़ लाइक दैट ब्रश, इफ़ यू कैन सी, बहुत ही ईजली वी कैन अप्लाई दैट। इट्स अ वेरी स्ट्रेट ब्रश, जैसे कि आपने और भी दूसरे उसमें देखे होंगे, उनके ब्रशेस जो होते हैं वो थोड़े से टिल्टेड होते हैं, जिससे और ज़्यादा वॉल्यूम आता है। दिस इज़ ऑल्सो गुड, आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा नहीं है, इट्स अ गुड प्रोडक्ट इन टोटल। अब अगर मैं बात करती हूँ इसमें जो मुझे मिला है तीसरा प्रोडक्ट, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, वो है दिस वन। This is Maybelline New York Eyebrow Pencil. This is fashion brow duo shaper. इसमें क्या होता है, इसकी खास बात क्या है, देखो हम जो बिगनर्स होते हैं ना, कुछ हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। देखो मैंने भी जब बिगनिंग में ना मेकअप स्टार्ट किया था, सो आई हैव अ वेरी, वी कैन से दैट ट्रेडिशनल दैट आईब्रो पेंसिल दैट वी ऑल हैव इन आवर बॉक्स। तो वो ऐसा होता है कि मुझे, मैं जब स्टार्टिंग में अप्लाई करती थी ना, तो कहीं डार्क कहीं लाइट हो जाती थी, कभी कई बार उसका पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता था किसी आईब्रो पे कुछ, कोई दूसरी साइड की आईब्रो लाइट लगती थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है स्टार्टिंग में, आई एम सेइंग।
तो जो लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके आईब्रोज शेप में रहें, तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. आई विल टेल यू द शेड ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई थिंक ये दो शेड्स में आती है, वन इज़ ब्राउन एंड अदर वन इज़ ग्रे और ब्लैक आई थिंक. तो ये बहुत ही अच्छा है. इसमें देखो, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इसमें दिस साइड वी हैव दिस काइंड ऑफ, यू कैन से दैट काजल और समथिंग लाइक दैट टेक्सचर, ये ऐसा है. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आईब्रो को एक शेप दे सकते हैं कि हमें कैसे फिल इन करना है, कितनी ब्रॉड आईब्रो रखनी है, क्या कैसे रखना है, इस हिसाब से हम इसमें दे सकते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ दिस ब्राउ फिलर. इसमें बेसिकली इस कैप के अंदर पाउडर होता है जो कि हमको ऐसे डैप करना होता है इसमें, और देन वी हैव टू अप्लाई दिस लाइक दैट. तो ये काफ़ी अच्छा होता है, इसका पिगमेंटेशन भी इट्स गुड और इट्स वर्थ ऑफ मनी. इट्स ऑफ आई थिंक 300 रुपीज़. और बाकी जो दोनों प्रोडक्ट हैं उनका भी मैं अमाउंट और प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगी. एंड डेफिनेटली आई विल टेल यू द नेम ऑल्सो, एग्जैक्टली द शेड. और जो लास्ट चीज़ अब हमें इस बॉक्स में मिली है वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, और दिस वन इज़ मेबली न्यूयॉर्क आई स्टूडियो लास्टिंग ड्रामा जेल आई लाइनर्स. यार देखो, आप बिगनर हो तो आई नो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको जेल लाइनर लगाने के लिए, क्योंकि यू हैव दैट वी कैन शे दैट कि आप से दैट यू हैव वन ब्रश और आपको उससे अप्लाई करना पड़ता है. तो अगर आप स्टार्टिंग में एज अ बिगनर हो तो आई नो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, आप नॉर्मली एक लिक्विड लाइनर लो, उससे ट्राई करो लगाना, और उससे भी पहले आप काजल से ट्राई कर सकते हो लाइनर लगाना. इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम, आप बहुत ज़्यादा बिगनर हो, आपने लाइनर कभी नहीं लगाया, तो आप स्टार्ट करो काजल से लगाना. उसके बाद आप क्या करो, यू हैव टू स्विच फॉर लिक्विड लाइनर्स. और उसके बाद व्हेन यू हैव सम लिटिल बिट परफेक्शन लिक्विड लाइनर ना, आप स्टार्ट करो दिस लाइनर. मैं बता रही हूँ, एक बार अगर आपने इसको इस लाइनर को यूज़ करना शुरू कर दिया ना, यू विल नॉट गो फॉर एनी अदर लाइनर. ओनली आई नो वन थिंग इज़ दैट यू विल थिंक कि यार इसमें एज कम्पेयर टू अपने लिक्विड लाइनर्स और जेल लाइन, मतलब और भी जो पेन लाइनर्स आते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है. ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रश एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट. बट अगर आप देखना चाहोगे ना, मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ. इट इज़ इन द दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग में वो आता है, बहुत ही क्यूट छोटू सा पैकेजिंग है इसका. और अगर मैं आपको इसके पिगमेंटेशन के बारे में दिखाऊँ तो वन सेकेंड सी, अब ये देखो, इसको मैं जब ऐसे कर रही हूँ ना ग्लाइड, देखो कितना स्मूद है, बहुत स्मूद, मतलब इट ग्लाइड्स ऑन वेरी नाइसली. मतलब इतना स्मूदली है ना, आपको 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 लग रहा होगा बट फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको लगाने में. और इसका पिगमेंटेशन वाटरप्रूफ है, फुल वाटरप्रूफ, बहुत प्यारा है. आप अगर आप पानी से वॉश भी कर लोगे मुंह को तो इसका नहीं, ये नहीं जाता है लाइनर. तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस लाइनर. अगर आप इस प्रोडक्ट, इस बॉक्स के अलावा भी अगर इंडिविजुअली इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर एनी गुड जेल लाइनर देन यू कैन गो फॉर इट. तो मैं इन टोटल अगर बात करूँ ना, तो ये जो बॉक्स था मुझे बहुत सही लगा, और इस लाइनर की कुछ प्राइस आई थिंक 500 है. तो मैं इन टोटल बताऊँ, मुझे ये बॉक्स पड़ा था 1294, जिसमें मुझे कुछ पॉइंट्स थे मेरे पास नायका के एंड कुछ ऑफ मुझे था, तो मुझे कुछ अराउंड 1000 रुपीज़ में पड़ा ये. बट इन टोटल आई कैन से दैट कि आपको बहुत, अपार्ट फ्रॉम लिपस्टिक, आपको इसमें एक जेल लाइनर मिलेगा, आपको एक ब्राउ पेंसिल मिलेगी, आपको एक मस्कारा मिल जाएगा. तो बहुत अच्छी डील है, यू कैन गो फॉर इट डेफिनेटली. सो फ्रॉम माई साइड इट्स अ थम्स अप. एंड येस डेफिनेटली, जल्दी जल्दी बोलती हूँ एंड में, अगर आपको मेरा चैनल, अगर आपको मेरा वीडियो जल्दी से पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लस बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिस नहीं करने हैं आपको. एंड येस, बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. ये बाय बाय.